हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो राजस्थान की ट्रिप में आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम आपको जैसलमेर की सबसे फेमस रेस्टोरेंट का विजिट करवाने वाले हैं और आज नाइट जैसलमेर में ही रुकने वाले हैं। तो कौन सी जगह पर रुकते हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस, आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, जैसलमेर में हम लोग स्टे करने वाले हैं आज होटल गोल्डन टुलिप में। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पर रुकने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो दिखाते हैं और रूम कैसे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर होटल चेक इन हो रहा है, रात हो चुकी है, भूख भी लगी है। तो चेक इन करने के बाद फ्रेश होके फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। तो रूम चेक इन हो रहा है। चेकआउट टाइम कितने बजे का है? सुबह 9 बजे का, ठीक है। तो चलिए, एंट्री वगैरह हमने कर ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, हमें रूम मिला है। तो रूम कैसा है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है रूम, तो ये रूम मिला है हमें। यहाँ पर डबल बेड है और यहाँ पर बालकनी। इसका व्यू सुबह अच्छा दिखेगा ना कि अभी अच्छा दिखेगा? यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। गद्दा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है ना? और यहाँ पर वॉशरूम एरिया है। तो वॉशरूम एरिया एकदम नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पर आपको हॉट वाटर की भी सुविधा है, हॉट वाटर आपको मिल जाएगा। चलो अच्छा है। वैसे ये गंदा कर दिया तुमने, तो तुमने गंदा कर दिया वॉशरूम। हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ काहे हो गया? कैसा है रूम, अच्छा है? चले साहब, तो आते ही चाय पीना शुरू, बिना चाय के चलता ही नहीं है। तो रूम काफी अच्छा है, ये देखिए पूरा व्यू आपको दिखा देती हूँ रूम का। हम जिस भी होटल में जाते हैं रूम टूर आपको जरूर करवाते हैं। तो यहाँ पर बाकी के भी रूम है तो वो भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से रूम है। तो ये देखिए, तो काफी बड़ा रूम है ये, और यहाँ पर वॉशरूम एरिया। एक और यहाँ पर डबल बेड है। गाइज, आप अंदाजा लगा सकते हो ये रूम हमें कितने में मिला है? सिर्फ 1000 रुपया पर नाइट। यहाँ पर वॉशरूम है। तो यहाँ पर सीजन के हिसाब से चार्जेस होता है। ऑफ सीजन में आओगे तो आपको रेट इसी में मिल जाएंगे, अगर सीजन में आओगे तो थोड़ा रेट बढ़ भी सकता है। तो रूम काफी अच्छा है, तो यहाँ पर आते हैं तो आप ये रूम बुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फोर्ट एरिया भी काफी नजदीक है। चलो ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट है तो वो देखने चलते हैं। चलो, तो ये होटल के साथ आपको रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर खाना नहीं खाना भी चाहो तो सिर्फ रूम भी ले सकते हो। और यहाँ से नजदीक में फोर्ट के पास में एक ठाकुर जी करके भी गुजराती रेस्टोरेंट है, तो वो भी काफी अच्छी। तो यहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर बैठने की जगह, ये देखो हेमंगी बैठ गई, कैसा लग रहा है? अच्छा। तो यहाँ पर बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हैं और यहाँ पर बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह है। आवाज देखो, डिस्टर्ब कर रही है मुझे, क्या बोलूं मैं। यहाँ पर आपको एकदम रिजनेबल प्राइस में रूम मिल जाएंगे, तो काफी अच्छी जगह है, रूम भी रिजनेबल प्राइस में है। यहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बैठ के आप आराम से चाय पानी एंजॉय कर सकते हैं। और आपको इससे ज्यादा पैसे खर्च करने हो तो सामने वाली होटल भी है, होटल हवेली, उसका रेट थोड़ा ज्यादा है पर वो भी अच्छी होटल है।
तो गाइस नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर हम ये होटल हवेली का भी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी रुकने वाले हैं। तो होटल हवेली कैसी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस बहुत ही भूख लगी है, तो हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। तो जैसलमेर फोर्ट के पास में ही ये ठाकुर जी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर गुजराती खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और खाना खाएंगे। लगता है ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, काफ़ी लोगों ने हमें ये रिकमेंड किया है ये रेस्टोरेंट। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, किंजल दवे, गौतम अदानी और सदवार सिंह, ये सब यहाँ पर खाना खा चुके हैं। तो आज हम भी यहाँ पर खाना खाएंगे और यहाँ का खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो देखिए बच्चे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कहाँ पर जगह मिलती है। देखो काफ़ी खुश लग रहे हैं बच्चे। तो चलिए आपको एक बार रेस्टोरेंट का पूरा व्यू दिखा देती हूँ, कितना मस्त दिख रहा है रेस्टोरेंट। लाइटिंग सजाया गया है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग की है। कैसी लगी? बहुत ही अच्छी। अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हुए हम लोग यहाँ पर खाना खाने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाली है आज तो। और यहाँ से फोर्ट दिख रहा है, तो ये व्यू भी एंजॉय करेंगे। एग्जैक्ट फोर्ट के पास में ही, फोर्ट वाले रोड पे ही ये रेस्टोरेंट है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, ऊपर से ये पूरा व्यू दिखता है। तो मुझे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखते हैं यहाँ पर खाना कैसा है वो ट्राई करेंगे। वहाँ पर बैठने की जगह भी बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ खाली होगा फिर वहाँ पर बैठने जाएंगे। तो यहाँ अंदर भी एक और हॉल है, तो यहाँ पर भी आप बैठ के खाना खा सकते हैं, और बाहर तो मैंने आपको दिखाया ही। तो ये भी शांत जगह है, यहाँ पर बैठ के भी आप खाना खा सकते हैं। और बाहर का व्यू तो मैंने आपको दिखाया ही, बाहर भी बैठ के आप खाना खा सकते हैं। मेन्यू कार्ड इज सो ब्यूटीफुल, ठाकुर जी रेस्टोरेंट। तो देख सकते हैं एकदम बहुत ही मस्त ये मेन्यू कार्ड छपा हुआ है, जैसे कि मैरिज का एल्बम हो। तो यहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर हर तरह का, यहाँ पे पंजाबी, चाइनीज़, इंडियन स्टार्टर, राजस्थानी, दाल पाटी, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेनू कार्ड है यहाँ पे। राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा, ठाकुर जी थाली। ये देखिए गाइस, राजस्थानी थाली का प्राइस देखिए 1151 रुपए, और उसमें क्या क्या चीज मिलती है वो आप देखिए। तो यहाँ पर आओ तो ये ट्राई जरूर करना, अच्छा मेन्यू है। हमें ज़्यादा भूख नहीं थी इसीलिए हमने नॉर्मली ऑर्डर कर दिया है, पनीर की सब्जी की है और रोटी। तो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है सब्जी हमारी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं खाना, और रोटी भी देखिए सॉफ्ट है, बहुत ही भूख लगी है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं खाना। ये लोगों ने तो शुरू भी कर दिया खाना, बच्चे लोग काफ़ी एंजॉय करते हुए खाना खा रहे हैं। मैंने ज़्यादा म्यूज़िक इसमें नहीं लिया है, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है इसलिए। कैसी है सब्जी? A1। तो गाइस ये इनका विजिटिंग कार्ड है और एड्रेस भी है साथ में। मॉडल थी वो कौन है ये पता है? किंजल दवे। ये किंजल दवे है, ये गौतम अडानी है, ये अरशद वारसी, और ये मैं हूँ। मैं सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं।
ना फेमस रेस्टोरेंट है ये, और खाना एकदम बेस्ट। ने ऐसे करके ऐसे घुमाए तो यहाँ पे है ये फोर्ट। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।